महाराज यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां महाराज सिंधिया का अलग अंदाज नजर आया। यहां उन्होंने हाथ में बल्ला थाम मंत्री तुलसी सिलावट की गेंद पर शानदार शॉट लगाए। देखिए खास रिपोर्ट। महाराज सिंधिया ने किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण। स्टेडियम का निरीक्षण करते समय दिखा महाराज सिंधिया का अलग अंदाज। हाथ में बल्ला थाम महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगाए शानदार शॉट। मंत्री तुलसी सिलावट की गेंद पर महाराज सिंधिया ने लगाए शानदार शॉट। ग्वालियर के शंकरपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जहां महाराज यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां पहुंचते ही सिंधिया कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ रेस लगाते हुए क्रिकेट पिच तक पहुंचे, जहां इस दौरान उनके साथ चल रहे उनके एक समर्थक गिर भी गए, लेकिन फिर भी रेस जारी रही और महाराज सिंधिया पिच पर पहुंच गए। इसके बाद यहां महाराज सिंधिया अलग अंदाज में नजर आए, जहां उन्होंने अपने खास समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट की गेंद पर जमकर चौके छक्के लगाए। अब जरा आप खुद ही देखिए महाराज सिंधिया का ये अलग अंदाज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माने तो ग्वालियर का ये नया स्टेडियम न सिर्फ देश का बल्कि दुनिया का सबसे अत्याधुनिक स्टेडियम बनेगा। आज ग्वालियर के भविष्य के रत्न का हमने सर्वेक्षण किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम मेरे पूज्य पिताजी का सपना था। बहुत दिनों से वे प्रयासरत थे और आज तीव्र गति से ये सपना साकार होने जा रहा है। आज पूरे स्टेडियम का हमने पूर्ण रूप से निरीक्षण भी किया है। कार्य गति के साथ साथ हमारे आर्किटेक्ट के साथ संवाद, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ पैरवी और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की समस्त टीम भी आज यहाँ उपस्थित है। करीब 45% कार्य आज तक समाप्त हो चुका है, 55% बाकी है। हमारे स्टैंड्स आने वाले मई के माह से तैयार होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने MPCA के 2 क्रिकेट खिलाड़ियों के इंडियन क्रिकेट टीम में प्रवेश करने पर खुशी जताई है। और आज इस बात का बड़ा गर्व है हमें कि हमारे 2 खिलाड़ी ने इंडियन टीम में भी प्रवेश किया है। उस दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे बहुत ही वर्षों से, जब दोबारा मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का हुनर केवल राष्ट्र स्तर पर नहीं लेकिन विश्व पटल पर हम लोग उजागर कर पाएंगे। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान के नेतृत्व में ये संभव हो पाया है। अभिलाष जी और उनकी समस्त टीम को, संजीव राव जी, बाकी सभी को मैं अपने तहे दिल से बधाई अर्पित करना चाहता हूँ। हमारे खिलाड़ियों को, हमारे सभी प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ MPCA के अधिकारी और क्रिकेट से जुड़े खिलाड़ी नजर आ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, ग्वालियर।